इस चलचित्र के सभी पात्र और घटनाएं बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है, इनका सीधा संबंध कुछ जीवित व्यक्तियों से है। All the characters and incidents shown in this film are not at all fictitious. It is directly related to some parasites. अबे यार, दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। अरे बुक में आंसर होगा तब ना दिमाग में कुछ घुसेगा। अरे यार, इस प्रताप का कोई काम नहीं है। सारा दिन स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ाने का जगह में खुद को पढ़ाता रहता है और ट्यूशन में पढ़ाने का जगह में सोते रहता है। सीरियसली मुझे भी ये कुछ ढीला लगता है। ओ देबू, तेरा नेट कैसा चल रहा है? इंटरसिटी एक्सप्रेस की तरह हर स्टेशन पर रुक रुक के। मेरा ले ले, अंबानी का जियो है। रहने दे, कल तक खुलेगा तेरा जियो। मेरा वाला ले ले, वैसे भी ओकलाने का इंडिया का फास्टेस्ट नेटवर्क है। ओए होए, ये क्या है? अभिषेक का प्रेम पत्र? अरे मजाक ना कर शुभम, वापस दे मुझे। क्यों क्यों, हमें भी तो देखने दो क्या लिखा है तेरे आशिक ने। अरे सुरभि मत खोल इसे, मैं कह रही हूँ। अरे यहाँ पे क्या लिखा है? ABCD जनवरी फरवरी 1 2 3 4 5 6। अरे कुछ नहीं, ये सब वापस फोल कर इसे। तुम मेरे सर की कसम खा के बोलो तो तुम कोई काला जादू नहीं कर रही हो। नहीं यार, इट्स नॉट लाइक दैट। तो बता ना ये क्या है। इट्स प्लैंचेट। कौन सा सेट? प्लैंचेट। मेरी दीदी आई थी, याद है? हाँ। परसों उन्हीं के साथ ट्राई किया था, उसी का पेपर पॉकेट में रह गया। ये सब मैं बिलीव नहीं करता, फालतू बात है। हर हॉरर मूवी में मरने वाला आदमी यही डायलॉग बोलता है। ये सब फिल्मों में होता है सिर्फ। हाँ हाँ, ये भी बोलता है। अच्छा रहने दीजिए सब। अच्छा रिया, सच में ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, पर ये कैसे करते हैं? अच्छा सुनो, ये जो है इस पे पहले हमें कॉइन रखना पड़ता है और लाइट्स बंद करनी पड़ती है और 4 कैंडल्स भी जलाने पड़ते हैं, और इस कॉइन पे उंगली रख के हमें आग बंद करके उस आत्मा को बुलाना पड़ता है और वो आत्मा इस कॉइन में आके प्रवेश करती है। जब ये कॉइन हिलने लगे तब हम लोग सबको उससे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जब तक वो आत्मा ना जाए इस कॉइन से कोई भी अपनी उंगली ना हटाए, क्योंकि कहा जाता है अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो वो आत्मा उसके साथ हमेशा जुड़ जाती है। तो फिर मरने का शुभ मुहूर्त निकाले। शट अप यार, ये सब करना ठीक नहीं होगा। नहीं, तुम लोगों का करना है तो करो, मैं संभाल लूंगा। नहीं यार, इन सब से दूर रहना चाहिए। नहीं यार, इट्स टोटली सेफ। लेकिन अगर ये करते हो ना तो सबके रिजल्ट्स पता चल जाएंगे, वो भी एग्जाम्स के पहले। तुम लोग करो, हम नहीं करने वाला है। हम तामूल खाने जाता है, कौन आएगा मेरे साथ? चल मैं चलता हूँ। ओके चलो, और तुम लोग मरो। ओके ठीक है, जाओ। तुम लोग डरना मत, शुभम तुम्हारे साथ है। आर यू श्योर? शत प्रतिशत। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दो, सिर्फ 4 कैंडल की ही रोशनी आनी चाहिए, और उसके बाद आग बंद करके कॉइन पे हाथ रखना होगा, और मैं जो भी बोलूँ मेरे बाद उसको दोहराना होगा। पर याद रखना, अगर किसी ने भी कॉइन से हाथ उठाया तो वो आत्मा उसके साथ सारी जिंदगी फंस जाएगी। अब सबको एक कॉइन पे हाथ रखो, लेकिन धीरे से। अभी तुम लोग मेरे बात दोहराओ। क्या कोई आत्मा यहाँ मौजूद है? क्या कोई आत्मा यहाँ मौजूद है? अगर है तो इस कॉइन में प्रवेश करें। अगर है तो इस कॉइन में प्रवेश करें।
क्या कोई आत्मा यहाँ मौजूद है? क्या कोई आत्मा यहाँ मौजूद है? अगर है तो इस कॉइन में प्रवेश करे। अगर है तो इस कॉइन में प्रवेश करे। क्या कोई आत्मा यहाँ मौजूद है? क्या कोई आत्मा यहाँ मौजूद है? अगर है तो इस कॉइन में प्रवेश करे। अगर है तो इस कॉइन में प्रवेश करे। ये क्या हो रहा है? चुप, कोई आत्मा यहाँ मौजूद है? अब क्या पूछूं? नाम पूछ, नाम। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? K E L A। केला तैसला सांगा भूत है। तू चुप रहेगा? सुरभि, तुझे जो भी पूछना है तू पूछ। क्या आप हमें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ये क्या था? रुक, मैं देख के आता हूँ। नहीं, कोई उंगली नहीं उठाएगा। क्या वो आप थे? प्लीज रिया, इसे वापस भेज दे, बंद कर दे ये सब। ये अंधेरा कैसा हो गया? ये क्या हो रहा है? मुझे कोई पकड़ रहा है। अरे तुम लोग मरा नहीं अब तक? तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? भाई प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज चलते हैं भाई, चलो। क्यों, क्या हुआ? भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी। पर हुआ क्या? भाई इधर सुन, साले रोका था ना तुझे, माना नहीं, भुगतो अभी, क्या जरूरत थी ये सब करने की? तो आप चलो पहले अंदर जाके देखता है, फिर कोई सोल्यूशन निकालेगा। नहीं भाई नहीं, अंदर नहीं जाना, अंदर बहुत गड़बड़ हो गई। अबे चलो तो देख लेंगे क्या है। आई थिंक ही इज राइट, अंदर जाना रिस्की है। तो अब क्या बाहर में बैठ के बिहू मारे? हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। हाँ ये ठीक ही कह रहा है। गाइस मैं कुछ बोलूं? ना बहन, रहने दे, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? ओदू बाबा। हाँ जी बोलिए। जी पदू बाबा का घर यही है क्या? जी हाँ अंदर है ये। आइए इस तरफ, आइए बैठिए, बताइए क्या समस्या है। आप ही पोदू बाबा है क्या? पोदू बाबा और हम? लगता है आपका अनुमान भी नहीं है, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं, हम तो सिर्फ उनके सेवक हैं। हाँ तो बाबा कहाँ है, हमें प्लीज उनसे मिलाइए, हमें उनकी जरूरत है। पहले आपकी समस्या हमें बताइए, हम लैपटॉप में एंट्री कर लेते हैं। एक्चुअली हम प्लानचेट कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि बस हम समझ गए, बाबा आपके समस्या का हल जरूर देंगे। आप थोड़ी देर रुकिए, हम बाबा को बुला के लाते हैं। कुछ
तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत दुविधा में हो बच्चों। हाँ बाबा। बताओ क्या समस्या है? वो हम लोग प्लान चेक कर रहे थे बाबा, तभी ऐसा लगा कोई आत्मा हमारा दरवाजा खटखटा रही है, और तो और सारे बर्तन भी अपने आप गिर गए। बस वो अभी भी यही है। कौन बाबा? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अभिजीत अभिमंत्र जल लेकर आओ। ये लीजिए बाबा। दो। भाग गए तुम दबा के। बाबा बाबा सुनो, यहाँ पे तो तुम लोग सुरक्षित हो, पर यहां से निकलते ही वो फिर से तुम लोग के ऊपर हावी हो जाएगी। बाबा प्लीज हमें बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। कुछ नहीं होने दूंगा, एक ही उपाय है। हिमालय से लाया गया गोमूत्र और अमरनाथ से लाए गए धूल से घर को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी जाके वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। आप जो भी बोलोगे वही करेंगे बाबा। ठीक है, आप लोग 10,000 रुपए मेरे सेवक को दे दे, मैं कल आऊंगा और उस साये को गर्दन पकड़ के बाहर निकालूंगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहे, पर इतना कैश तो नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं बेटे, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट पे। दया और अभिजीत इन्हें हमारे अकाउंट के डिटेल्स दे दो। ठीक है बाबा। गाइस मध्य पैसे ये हमें लूट रहा है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये बोल सीरियसली यार। ये लीजिए बैंक के डिटेल्स, चिंता मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा, बहुत पहुंचे हुए बाबा है। ओ है निके। बाबा आप अंदर आ सकते हैं। दया कुछ तो गड़बड़ है, वो आत्मा यही हमारे बीच मौजूद है। तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, इसमें गड़बड़ है दया, इसमें गड़बड़ है। तुम लोगों ने उस आत्मा को किस स्थान पे बुलाया था? इस स्थान पर बाबा, इस स्थान पर। दूर हो जाओ यहाँ से, सब दूर हो जाओ। अभिजीत दया दूर करो इन लोग को। चलिए चलिए साइड हो जाइए, इधर आइए, इधर इधर बढ़ते रहिए, इधर इधर साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। ओम नमः आदेश गुरु का मंत्र। दया हिमालय का गोमूत्र, अभिजीत अमरनाथ से लाया गया धूल, पागल तो कौन पाली भी? क्या ये वस्तु तो कहाँ मिला? चुप, इन्हें करने दो अपना काम। बाबा ये क्या हो रहा है? बाबा अभी साधना में कुछ मत बोलो। क्यों तंग कर रहे हो इन्हें? मोक्ष ही तुम्हारा अंतिम द्वार है। इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
छोड़ दो इन्हें, ये सब क्या नौटंकी चल रहा है? तुमको विश्वास नहीं होता तो चले जाओ यहाँ से। सोच ले अगर मैं चला गया और भूत आ गया तो। बाबा जी जहाँ है वहाँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओ भाई भाई ये सब कब तक चलेगा? जिद्दी आत्मा है तेरा वक्त लगाएगी। देवू चल तब तक हम लोग एक तामूल मार के आते हैं। हाँ चलो चलो, इन सब नौटंकी से तो वही अच्छा है। देख मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूँ, चली जाए यहाँ से, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। चली गई, चली गई, भाग गई वो दुष्ट आत्मा। हा 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 हा। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। अब ये घर सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है। बाबा जी ये तो सुरक्षित कर रहे हैं। बाबा जी अब क्या करें? बाबा जी कोई भी पाए, भागो जल्दी, भागो भागो। Thank you.